हेलो फ्रेंड्स, और अभी ये मेरा ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। आज है गुरुवार, गुरुवार की पूजा हो रही है। ये अभी पूजा की तैयारी हो रही है, आप देख सकते हो। पूजा करने में जा रही हूँ। केले का झाड़ मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, वहाँ पर अभी पूजा कर लूँगी। फिर उसके बाद आगे खाना पीना बनेगा। ये सब करने के बाद में चाय वगैरह पीऊँगी। ये आप देख सकते हो, ये सब सारे झाड़ छोटे छोटे जो है साइड में रखूँगी, क्योंकि केले का झाड़ बहुत पीछे है। फिर बस साइड में करके यहाँ मैं अपनी पूजा कर लूँगी। आप देख सकते हो, दुकू भी यहीं बैठा है, देख रहा है मम्मी क्या कर रही है। और अभी यहाँ मेरी पूजा हो गई है। मेरा अभी पूजा हो गई है, आज गुरुवार है, तो फिर आज हमारी गुरुवार की पूजा हो चुकी है। और अभी मैं खाने जा रही हूँ, बाहर गई इसको मालूम पड़ता है वीडियो। हाय, बोला हाय। क्या खा रहे हो बता दो? मंचूरन। ये कौन है? तेरे नाम बाल तो देखो सब तेरे नाम, तेरे नाम। ये हमारा है मंचूरियन। इसका भी एक वीडियो। और अभी मैं ये सुबह मैंने मटर भिगाया था, सफेद मटर। अब उसके मैं छोले बनाएंगे, छोले या भाजी जो भी, अब उसे हम बना लेंगे। ये यहाँ मैंने कुकर में रख दिया एक आलू और वही सफेद मटर, इसे हम बॉईल करने में थोड़ा सा उसमें मैंने बचा लिया था। अभी चाय पियेंगे तो उसके साथ में थोड़ा हम बना लेंगे। यहाँ मैं तुरई साफ कर रही, तुरई बोलते हैं हमारे में, नेनुआ बोलते हैं तुरई। हाँ, और अभी यहाँ पर चाय रख दिया है, तो थोड़ा सा जो मटर मैंने बचा लिया था उससे हम फ्राई करेंगे, कांदा लहसुन मिर्ची डाल के चाय के साथ में थोड़ा खाएंगे। आप देख सकते हो खुशी चाय बना रही हूँ मैं, यहाँ पे ये बना रही हूँ। यहाँ पर मेरा ये भी बन गया, वहाँ चाय भी तैयार है। और अभी इसी में मैं चाय और कुछ इसमें निकाल रही, तब तक मैं यहाँ पर अपना वो लेके चलेगी हॉल में रखेगी, तब तक मैं यहाँ पर जो मैंने तुरई कट करके रखा था उसकी भाजी डाल दूंगी। सिंपल तरीके से बनाया है, सिर्फ लहसुन मिर्ची से तड़का दिया उससे और जीरा डाला है। और यहाँ कुकर लगा दी, वहाँ पे कढ़ाई, वो भी अपना होते रहेंगे, सीटी भी लग जाएगी, तब तक मैं यहाँ पे चाय पी लेती हूँ। यहाँ मैंने जीरा डाला उसमें, फिर लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट डाला, और अभी मैंने कांदा भी डाल दिया इसमें। इसे हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें कांदा डाल देंगे। और कांदा डालने के बाद मैंने मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, गरम मसाले, धनिया पाउडर, और लास्ट में मैंने छोले मसाले यहाँ पर अभी मैंने ऐड कर दिया। इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ऐसे पकने के बाद में यहाँ पर मैं आलू भी कट कर लेती हूँ। तब तक मैंने एक ही आलू बॉईल किया था। यहाँ पर टमाटर भी हो चुका है। टमाटर अच्छे से होने के बाद में हम इस पर डाल देंगे छोले। यहाँ देख सकते हो, इसमें ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे। और ग्लास की सहायता से मैंने इसे मैश कर दिया है। और इसमें लास्ट में मैं आलू डाल दूँ, क्योंकि आलू पहले से बॉयल था, इसलिए मैंने आलू लास्ट में डाला। और अपने हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। तो अब वो तब तक वहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। आटा लगा के फिर मैं फटाफट से रोटी करके, मेरी नीनू की भाजी भी हो चुकी है, यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया है, और वहाँ पर मेरे छोले बन रहे हैं। और अभी चलते हैं रोटी बना लेते हैं। और वहाँ पे डुगो का दूध था, तो मैंने खाली करके वो टोपू घसने में रख दिया था। अभी हम फटाफट रोटी बना लेते हैं। यहाँ मेरी भाजी भी बन गई, वहाँ मेरी रोटी भी तैयार है, आप देख सकते हो। खाना ही बनाते बनाते पापा भी आ गए थे, तो मैंने फटाफट से फिर गरम गरम सबको खाना भी दे दिया था। यहाँ देख सकते हो, मैं खाना निकाल रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे फटाफट खाना निकाल लेती हूँ। किंजल भी आ गई है खाना लेने, अब किंजल जाएगी पहले देखकर आएगी, उसके बाद में वो भी खाने बैठेगी। चलिए अब भी खाना, सब लोग खाना खाने बैठ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फटाफट से बर्तन लगा लूँगी, बर्तन भी
मिक्स नमक ये वो सब घसूंगे और अभी किंजल लेके जाएगी खाना और सबको मैंने खाना वगैरह दे के अभी फटाफट से किचन धो गई। किचन धोने के बाद में जो भी सब बर्तन निकले हैं ये बर्तन धो लूंगी। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। और अभी यहाँ पे मेरे सारे काम हो जाएंगे सब लोग। फिर खाने के बाद में जो बर्तन निकले हैं वो बाद में मैं धो लूंगी।